हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे इसके विषय में जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, एवं लाइक और शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, देखें पहाड़े और बंटवारे में 4 और 3 के पहाड़े से कौन सी संख्या का पहाड़ा बनेगा। तो हम देखेंगे 4 और 3 के पहाड़े से कौन कौन सी संख्या का पहाड़ा बनेगा। देखिए आप, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40। अब यहाँ देखेंगे हम, ये देखा हमने 4 के, अब हम देखेंगे 3 के। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30। इस प्रकार हम 4 और 3 से हम 7 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर जो है 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70 बामे। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा, उसने 16 पैर गिने हैं, डिब्बे में कितने चूजे हैं। इसको हमको हल करना है बच्चों। देखेंगे हम, एक चूजे के कितने पैर हैं, 2 पैर होते हैं, पैर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये पैर। अब चूजे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, डिब्बे में 8 चूजे हैं। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, एक ट्रे में 15 चाय के कप रखे जाते हैं, तो 5 ट्रे में कितने कप रखे जाएंगे। देखेंगे बच्चों, एक ट्रे में 15 चाय के कप रखे जाते हैं, तो 5 ट्रे में 5 × 15 कर देंगे, तो 15 × 5 = 75 कप जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो 75 कप रखे जाएंगे। इस प्रकार से हम इसका हल कर देंगे। अगला जो है प्रश्न 4, यूसुफ ने 260 रुपए के 15 पेन खरीदे, तो एक पेन कितने रुपए का खरीदा। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यूसुफ ने 260 रुपए के 15 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत देखेंगे हम कैसे करेंगे, 260/15 कर देंगे। तो हम यहाँ इसको भाग भी दे सकते हैं और काट, इस संख्या को काट भी सकते हैं। तो हमको काटने के बाद में क्या प्राप्त होगा, देखें 17.33 रुपये, यानी एक पेन की जो कीमत है वो 17.33 रुपये होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 3 कदम कूदता है, तो वह कितनी बार कूदे कि वो 18 पर आ जाए। अब हम देखेंगे कितने बार कूदेगा, 0 शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखें 18 बार 18 को हम देखेंगे यहाँ पर कैसे काटेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो वह है 6 बार गया इसमें भाग, क्योंकि 3 से हम 18 को देंगे भाग, तो कितने बार गया, 6 बार। तो वह 6 बार कूदेगा ताकि 18 पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इसका हल बन जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न क्रमांक 6, रीटा ने 5 मिनट में गणित का एक सवाल हल करती है, तो 30 मिनट में वह कितने सवाल हल करेगी। अब देखिए आप, रीटा 5 मिनट में एक सवाल करती है, तो 30 मिनट में क्या करेंगे, 30/5 कर देंगे, तो 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30। तो यहाँ उत्तर कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो 6 सवाल हल करेगी, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 है, और निम्नलिखित को हल कीजिए, आ है 5/65, ब है 4, 5 जो है इसको हल करना है, अगला है 84/2,
तो यहाँ पर हम देखिए दोनों को हम कैसे करेंगे भाग। तो यहाँ हम पाँच एकम पाँच, यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ पंद्रह, इसको हम इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पंद्रह बचेगा और पाँच तिरी पंद्रह, ये पूरा पूरा भाग चल जाएगा। पंद्रह में पंद्रह घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ आ जाएगा तेरह। यहाँ देखेंगे हम दो से चौरासी का भाग देंगे तो चार दूनी आठ, यहाँ आठ हो गया, यहाँ बचा चार, यहाँ बचा जीरो और चार दूनी आठ, तो बयालीस यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आठ, प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई, 120 मोतियों से ऐसी कितनी माला बनाई जा सकती है। देखिए आप 20 मोतियों से एक माला बनाई तो ऐसे 120 मोतियों से कितनी माला बनेगी। तो 20 मोतियों बराबर एक माला, तो यहाँ हम क्या करेंगे 160 यहाँ पर हम कर देंगे बटे 20 और इसको काट देंगे, 120 बटे 20 कर देंगे यहाँ पर हम, तो इसको काटेंगे हम तो 20 का गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे हम 6 बार तो ये पूरा कट जाएगा, तो 6 बार इसका भाग जाएगा। अतः 120 मोतियों से 6 माला बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, सीमा को 500 रुपये के खोले चाहिए, उसे कितने मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे। का है सभी 100 रुपये के नोट कितने होंगे, सभी 50 रुपये के नोट कितने होंगे, सभी 20 रुपये के नोट कितने होंगे, सभी 5 रुपये के नोट कितने होंगे, इतने में हमको जवाब देना है। का में देखेंगे हम 500 भागे 100 कर देंगे तो यहाँ 100 एकम 100 और 100 पंचे 500, यहाँ 5 नोट मिलेंगे, यहाँ 500 में 50 तो 1 शून्य से 1 शून्य गया और 5 दहाँ 50, 10 नोट यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ 500 बटे 20 तो यहाँ हम इसको काट देंगे तो 25 नोट यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 500 बटे 5 तो 5 एकम 5 और 100 5 एकम 5 और ये 00 तो यहाँ 100 नोट हो जाएंगे। अगला फिर प्रश्न है, एक ठेले में 500 ईंटें हैं, रमेश ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है, सभी ईंटों का वजन कितना होगा। अब देखिए आप एक ईंट का वजन बराबर 2 किलोग्राम तो 500 ईंटों का वजन 2 × 500 कर देंगे तो एक दो में हम 500 का 2 में गुणा कर देंगे, 500 × 2 बराबर 1000 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारे यह पाठ जो है समाप्त हुआ। इसी प्रकार की वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।